स्वीटी जी राइए जी, तेरे बच्चे किसको कपड़ा लगा? तुम्हारी बीबी हूँ मैं, नौकरानी नहीं। नौकरानी हो या कुछ भी हो तू, लेकिन एक बात समझ ले, कानून के हिसाब से ना पति का काम करना पड़ता है, समझ गई? नहीं, अगर नहीं करेगी ना तो अपने घर रहिए, तलाक करवा दूंगा, मेरा बाबा वकील, भीतर ही रहोगी सारी उम्र। अजय गुस्सा क्यों कर रहे? कर तो रही, कर फिर, पता ही नहीं है, बुलेट बना दे इसकी चमका। चल करे घटा, अपने मुंह को मार ले। हर बार अपने बाप की दोस्त देता रहेगा वकील, मेरा बाप है, मैं तलाक दिलवा दूंगा। ये भी दोगा तू तलाक, ढेर को दे रखी मेरा बाप ने, और रुक तुझे भी पूछूं, इतनी जुमान करी कैसे, अपने घर ही रहिए तू। ले यार रोटी, कहाँ मर गई थी? लो क्या बना रही हो? आलू बैंगन। ये कितना खा दिया पकाने? मुझे पसंद है इसलिए बना लिए। पसंद है? तेरी पसंद नहीं चलने की, सब्जियों की धारा ऐसी लगेगी दो महीने भीतर रहोगी। मेरी पसंद है खाना बनाओ। ऐसा है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? खाना खा ले वरना नहीं मेरा खुद ठाक है, बहु बन के आई हुई यहाँ से, नौकरानी नहीं समझ रखी तुमने। क्लास कर रही तो ला, क्या समझ रहा तू अपने आप को? है क्या समझ रहा? वकील का लौंडा हाथ उठा रही। वकील का लौंडा हो चाहे किसी का भी लौंडा हो, चाहे जज का भी क्यों ना हो, तुझे मैं बताऊंगी औरतों की पावर क्या हो। तू कोर्ट में मिली है, ठीक है? और आजा, तुझे तलाक करना ना मैं सिखाऊंगी, जा जा रही मैं अपने घर, समझ गया? बाबा अजी सुनो तो वकील साहब। अरे हम जज की सुनते, कहाँ जा रहे? यही ना तेरा प्लाट। हाँ जी है तो यही। देख तेरी हमारी तय हुई थी कि केस फाइनल करवाते तो हुए प्लाट में तेरे नाम कर दूंगा। हाँ जी, तो केस फाइनल होगा, गुंठे लगा। हाँ लो फिर, ये लो, ये खोल लगेगा, खोल अगला आगे बढ़ का खोल। ये लो जी। इब्जा सुन भाई जी, वाजा थारी बहू थी उसको तो होगी तलाक। अच्छा, जाकत आगा तारे हिस्से में। अच्छा जी, अजी सुनो तो वकील साहब, लौंडा कहाँ हमारा? भाई लौंडे को होगी देख सजा। सजा? सजा क्यों होगी भाई? लोगनी का केस है, इसमें नहीं बचता आदमी, मरद तो मारा जाए इसमें लोगनी के केस में। कितने दिन की हुई? भाई ज्यादा नहीं, 20 साल की हुई। अरे इसका क्या करूँ हमें जागत का? इसका तू जो कुछ नहीं करना, वही 20 साल बाद आगे इसका ब्याह करेगा तू पाली से। और मेरा क्या होगा फिर? तेरा भी टाइम पूरा हो लगा, इतना जरा अंतिम संस्कार करेगा। अजी नहीं सुनो तो, अरे छोड़ यार तो, वकील साहब। हाँ बता, सुनो तो, मुबारक हो बेटे, प्लॉट पे अपना हवेली आज ले आया, कागज संभाल कर ले जाकर। तू क्या कर रहा, तुझे क्यों फपाया फिर रहा? इसका क्या केस हो? इसका तो इसके लौंडे की बहू का केस चल रहा था जी, ताकि सा केस। अच्छा हाँ जी, मेरा घंटा जितवा दिया ना, लौंडे को 20 साल की सजा करवा दी। भाई लोगने का केस है, इसमें नहीं बचता, 20-30 साल हो ही, लोगने को और छेद लो। तू बता तू क्यों टेंशन से ले रहा, क्या बात होगी? चल भाई चलो चल, पापा इन लोगों सुन मेरी बात। हाँ बात बता। चाचा परे हो जाना, एक मिनट परे हो जाओ। वो मैं भी अपनी बहू की साल लड़काया हूँ। ठीक करा, हाथ साफ करा तू, कोई बात नहीं। अरे मैंने तुड़े करा नहीं करा, मेरे पास छिटकाया तू। क्या करूँ मैं तो समय देखूँ सूर्य को कहाँ वा। अरे वो तो अपने घर चले गए, थाने थोड़ा मजा आ रही। मैं उसे रोज कहूँ था मेरा बाबा वकील, हम तो यूँ कर देंगे यूँ कर देंगे, तूने इसके बाद लोंडे को भीतर करवाए थे 20 साल के लिए। इसके लोंडे को करवाया तुझे चक्कर जो आ रहा था, मैं केस हम लड़ेंगे कमाल, थाने में जाएगी कहीं तक भी जाएंगे भाई। हो जा भाई, बुरा होना खराब करो। अरे बाबा तू मुझे कोई ढंग का वकील दिखा, बता दे बाबा सब कर रहा। इसको था प्रॉपर्टी कम थी, 300 फुट का प्लॉट था, अगर 1000 फुट का होता तो लौंडा आज ही बाहर आता, कोशिश ही नहीं करी। दूसरे को अच्छी मोटी रकम मिली हुई थी, दूसरा वकील था जो दूसरी पार्टी का, तो मैं कहा भाई तू ही जीत जा और क्या। मुझे तो डर लग रहा है बाबा, देख ले किसी और वकील ने, कोई जरूरत नहीं है, हम लड़ंग केस। चल घर चल दे, मेरे भी हो सका कुछ। बाप जा, हम अपनी परेशानी में फंस गए, जरा भी हो सको कुछ, लौंडे को वहाँ रोटी मिलेगी जहर नहीं मिलने का। परी जी, दिल छोटा करने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, जब तुमने इतना अच्छा वकील करा, अपनी उम्र में पिछले 40 साल से केस नहीं आ रहा हूँ मैं, और आपको इंसाफ दिला के रहूँगा, भले वकील हो ये ना काले पानी की जेल काटी इसने, बस जी इंसाफ चाहिए, कुछ इंसाफ मिलेगा। भाई सब चुप हो जाओ, जो साहब आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ।
चलो भाई कार्रवाई शुरू करो आज की। जी जज साहब मेरी क्लाइंट है परी, इनकी सहारनपुर में शादी हुई थी अब से 2 साल पहले, ठीक है। इन्हें मारा पीटा पिछले 1 साल से घर बैठी है। इनके घर वालों से जितना हो सका जज साहब उन्होंने दिया, अच्छी खासी शादी करी, बुलेट दी, बढ़िया खाना दिया, दाल चावल का इंतजाम था, हिंदवानी खाना दिया, मतलब वगैरह वगैरह सारी चीजें थी खाने में भी, 10 तोला सोना दिया, मतलब इतना सामान देने के बावजूद वो सामान मांग रहे कि जी वो सामान दो, और लड़की को मार पीट करके घर भेज दिया। अब बताओ जज साहब क्या करो, और सामान मांग रहे हो। लड़की कौन हो? ये बेटी जी। जिनमें इतना तगड़ा सामान दे दिया और क्या देगा वो। यो क्या मतलब है जय साहब इसका? मतलब जिन्ना अपनी लौंडी दे जिन्ना सब कुछ दे दिया भाई। तो इसमें हंसने की क्या बात है? हंस रहे तो हंसने दे, तेरे मुंह तो हंस रहे हैं कहीं, बैठ जा। लौंडे वाले की तरफ तो कौन हो? मैं हूँ जय साहब। और आ पहले तू जब एड क्यों लगा रखी? अजी इसे तो सुनाई दे बे हराम है। चल फिर बताए क्या बात हो। जय साहब मैं लड़के का बाप भी हूँ और उसकी वकालत भी मैं ही कर रहा। अच्छा चल बता क्या बात है। अजी बात तो कुछ नहीं है जज साहब, हमने 2020 में अपने लौंडे का ब्याह किया था क्योंकि उसकी माँ जो कमजोर थी, मका भाई रोटी पानी देगी। अच्छा लेकिन ये मोहतरमा ही 6 महीने तक का ड्रामा चला, या उसके मुँह में चम्मच वा इसके मुँह में चम्मच, उसके बाद जो है 19 चम्मच इसके मुँह में देने तो मना कर दी, कह वो अपने आप खा, मान लो मोहब्बत का एक दिन हो तो इसका जो दिमाग खराब हुआ, उसके बाद अगर वो लौंडा गिलास में पानी मांगो तो गिलास सिर में देख मार दिया, रोटी मांगो बेलन फेंक कर मार दिया, कदी तवा हाथ में आता हुआ, एक दिन तो बाल्टी मार दी, बाल्टी मारने से सिर में 7 टंके आए, उसकी रिपोर्ट आप इसमें देख लो, और परसों भी इसने उसके सिर में गिलास फेंक कर मारा है, फिर सिर फूटा पड़ा, लौंडा मेरा ला रखा मैंने, उसके सिर में टंके हुए हैं, दोनों रिपोर्ट देखो डॉक्टर की, एम्स हॉस्पिटल की। इसमें तो टंकी लिखी टंकी वो जो साहब लौंडी ना भरे थे उसने टंकी भरती होगी, डॉक्टर भरता है टंके भरता, लेकिन पैसे मारे पता उसके टंकों के लिए। अच्छा डॉक्टर चल कोई नहीं खैर पकड़। ऑब्जेक्शन यू विनोद, इस दलील ने जितनी भी दलील पेश करी दलील नहीं कह रहा तो ओ बिता ना कर लेना बिता ले जाएगा बिता ले। पुलिस वाले पास आओ, चल इमरजेंसी में चल चल मत। अरे मैंने तो बोल देने का है जय साहब, सेठ में लगी कसम, उन्नो बजाया उन्नो बजाया भाई साहब। अरे एक बात सोच तो लो, मैंने कुछ नहीं कहा जय साहब। क्या ये कोई ढंग का वकील करती ना? अजी ये तो ढंग के है लंगड़े साहब। कुछ नहीं है, ब्याह तो पहले क्या करो थी? अजी मैं टिकटॉक स्टार थी, फिर टिकटॉक बंद हो गया, घर वालों ने पकड़ के ब्याह करवा दिया। टिकटॉक पर कितने फॉलोवर थे? 76। अभी स्टार थी और चली जा। चल खैर कोई नहीं, छुड़वा देंगे तुझे। अच्छा वो इमरजेंसी में क्या क्यों लेके गए उन्हें? इमरजेंसी में उन्हें लेंगे, बस खुश हो, तुझे लेंगे ना, दिक्कत ही दिक्कत है। चल बता क्या बात हो। यो विनोद, पहली बात तो बाल्टी से उसका सिर नहीं फूटा, उसका सिर फूटा गिलास से। अच्छा इसका मतलब गिलास मारा फेंको? गिलास नहीं मारा, लोंडे ने कहा लोंडी को गिलास पानी दे, जैसे ही पानी लेगा ना लोंडा भाग कर सिर मारा गिलास में। अच्छा। हाँ इस पॉइंट को नोट करो जय साहब, ठीक है। एक बात देख, खुदे बच्ची की तरफ ये मार देगी क्या गिलास? जब भी देखो इस क्लाइंट की तरफ मेरा दिल भर जाओ। देख मैं रोता है ना, अगर ज्यादा दिक्कत है ना तो इसे मैं रख लूंगा, 2 बहू और ही 3 हो जाएंगी। अरे नहीं जैसा बस हल्का हाथ रखो। दूसरा पॉइंट सुनो, अभी नेवला कह रहा था इसकी घरवाली बुद्धि है, चला फिरा नहीं जाता, ये सुअर खा रहे थे, जो लोंडी दे रही थी पका कर रोटी, जब चला फिरा नहीं जाता
तू क्या था रोटी नहीं देती? रोटी लड़की ने बनाई ना मेरी क्लाइंट ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जज साहब मैं आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं ये बहुत गरीब गुरबा लोग हों, जिंदगी में इन्होंने होटल पर तो होटल पर कहीं उस पर ठेले पर भी रोटी नहीं खाई। इन्हें यही नहीं पता कि मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे होटल है जहाँ घर भी नहीं जैसा खाना बनता है ऐसा मिल रहा। चुप। और जज साहब मैं बता दूं मेरा लड़का जो है वो 3-4 हजार रुपए दिन के कमावो, उनमें तो 200-300 रुपए का जो है खाना लिया वो दोनों बापू जो है ठाठ बाट तो खा रहे। और हाँ ये मोहतरमा हाथ दिखाई अपने, इन हाथों तो रोटी पकाने तो पकाई नहीं खाई भी नहीं ना कभी। मेरा लोंडा ही खुआ रहा है इसे हम ब्याह लाए थे इसलिए मैं कहा हमें रोटी देगी कुछ सुकून मिलेगा, इतना जीना हराम कर दिया हमारे खिलाफ रपट करके अपने घर बैठी। ओ मेरा मुंह तो ले ले इस पर तो रोटी। हाथ कैसे पकड़ा तूने इसका लाला की अदालत में? लाला की अदालत में सिर्फ लड़कियों का हाल लाला ही पकड़ सको। और यो थारे कहा प्रधान की बैठक तो है नहीं, बकवास करता जा रहा, खिचड़ी ना पकाओ, फैसला करवाना तो करो, इन्हें दबाओ यहाँ तो। लड़का कहा हो लड़के को बुलाओ, सबूत के आधार पर बात होगी। मोटा भाई लड़के को हाजिर करो। कितने दिन हो गए तेरे ब्याह को? 2 साल हो गए जी मेरे ब्याह को। तो यो तेरा बाप जो यहाँ इल्जाम लगा रहा है लोंडी बर्तन फेंक फेंक मारे, कब से फेंक कर मार रही हो? 1 साल तो बर्तन मार रही जी फेंक फेंक को। फिर उस दिन तक क्यों नहीं रपट लिखवाई? ये भी यूं करी जी रपट, इसका निशान ना पक्का होगा, जहाँ तो कहीं तो फेंक तो मार दो आकर लोगो सिर वही। अच्छा ठीक है, और बताओ और क्या दिक्कत होती है? अजी बस क्या बताऊँ, क्या बोलना चाह रहा बोल। अरे जो साहब कुछ बातें ऐसी हो जो हम कोर्ट के सामने नहीं बता सकते। मैंने जब तू इतना होशियार बनना सच्चा बनना बताना जी साहब को, पूछो जी तो। क्यों नहीं बता सकते झूठे फिर तुम बताओ। ठीक है हम तो कोर्ट की मर्यादा रख रहे थे। अच्छी वो ऐसा चुम्बे शम्बे पिन देती नहीं हो गलत बात हमारे, अगर पप्पी देती पप्पी देने का काम है क्या? जय साहब जो इस वजह से पप्पी नहीं देती सो डोंडा ना बीडी पियो वो मैं सो बाश मारो डोंडा। नहीं हो बात गलत हो, एक कर तो हम देसी का पुआ पी को जा अपने घर, हमें भी नहीं मिल रही। बताओ जय साहब गलत बात है या नहीं है, ये पॉइंट नोट करो जय साहब। पप्पी देनी चाहिए, ये पॉइंट नोट करा जाएगा। और बताओ और क्या दिक्कत हो? और क्या बताओ जस साहब, बस जो दुनिया में नहीं होता वो हमारे घर हो रहा। सारी दुनिया में जो है मर्द का रोब हो, यहाँ औरत का चल रहा, इसका जाकत का तेग भी रोब नहीं है बिल्कुल। अगर पानी का गिलास भाग ले तो उसे फेंक कर मार दे सिर, वो सब्जी मांगी प्लेट फेंक कर मार दी, रोटी मांगी रोटी भी फेंक फेंक दे रही, कहीं कुत्ता आयो। अरे मां सुन ले मोटा भाई, इसे तो ना पुलिस कस्टडी में से ले जा। जा तू जा 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 तू जा। अरे भाई तेरी बहू मेरे साथ रहोगी 3 दिन हमारे घर। अरे मेरी बहू को क्यों लेकर जा रहा, हट जा तू। ओ मेरी बहू को लेकर जा रहा क्यों? भैंस का मंजूरने है मुझे हमारी चट्टी साथ खिलवाड़ रहे तो। ना ना खेता ना तुम ऐसा करवा मैं। क्या कह रहा था तू? मैं क्या कहता जी, आपकी सरकार है जो अभी आप फैसला करोगे मंजूर हो हमें तो। हाँ चले यो अदालत यही समाप्त होनी, 3 दिन बाद तुम्हारा होगी ठीक है। रखना बच्चों को, लेकिन मिलता हूँ मैं बाहर ही मिलता हूँ। नहीं कोई नहीं एहतियात तो रहूंगी। लेके जाए आप। हाँ जी वकील साहब। मेरी बात सुन, मैं बोल रहा जंगू एडवोकेट। जी जी बोल लो। उसके जज के ना सिर में प्लेटा ही प्लेटा दिए। अच्छा जब जाकर तलाक मिल सका तुझे, नहीं तो अगर तू सही रही ना तो तलाक नहीं होने की तेरी। अच्छा अच्छा सारे काम उल्टे करिए ठीक है? ठीक है ठीक है चल रख रहा हूँ, घर वाली आ रही। मैं बीड़ी पी रहा। तू तेरे बाप की पी रहा? मेरा बाप की तो पी रहा। हम बाहर पर रहकर नहीं बीड़ी बज रही, तू भीतर रहकर पी रहा। अरे बीड़ी को छोड़ी हूँ, बताओ मुझे कितने टाइम लगेगा यहाँ तक निकलने में? 6 महीने सारे लगेगा, क्यों घबरा रहा तू? रोड लगा सुन, तेरी घरवाली भी तो जेल में ही। वो कहाँ जेल में? वो तो वाला अलग ही जेल में भाई। अरे एक बात और सुन, यहाँ तो नियम हो कि जो जेल में आगे उसको बज नहीं सकता, लेकिन लाला की जेल में कोई नियम नहीं है, वहाँ किसी भी टाइम डंडा बजना शुरू हो जाए तो बात सही हो जाएगी वहाँ से 3 दिन में। क्यों वहाँ भी पुलिस हो? अरे लाला ही बचे रहा, पुलिस की आग की क्या जरूरत पड़ रही है? एक चीज़ और सुन तू,
तीन दिन बाद तारीख हो, लालच तो दुखी हो जाएगा। अब तुझे तलाक दे कोई हटा का हो तो तलाक दिवा होगा। तीन दिन बाद पूरी कोशिश करूँगा मैं, चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे लाला को खरीदना पड़ो। वैसे एक बात बताऊँ आपा, घर तो ज्यादा सुकून तो सो रहा हूँ यहाँ। अच्छा जी, उसकी टेंशन नहीं आए मुझे कते एक भी। तो मैं उसका जल्द सिर पार कर यहाँ जाऊँगा फिर। तू यहाँ क्या करेगा, तू यहाँ भी ऐसा ही वहाँ भी ऐसा ही बाहर क्यों? अरे तू यहाँ भी रंडवा वहाँ भी रंडवा। कोई बात नहीं बेटे, उड़ा ले मुझे आग। तीन दिन बाद तारीख हो, अदालत में जाकर ना तुझे तलाक दिवाकर रंडवा बनाया, तो मेरा नाम भी वकील अब्दुल गफूर नहीं है। ठीक है बाबा, तू मुझे हाथ कटवा दे तीन दिन बाद। बस तीन दिन बाद तू भी रंडवा मैं भी रंडवा, दोबारा ढूंढेंगे कोई। ध्यान रखिए यार। वो मैडम जी, इस सीट पर बैठना चांस पर बैठ जाऊँ, नहीं तो वहाँ बैठ जा। नहीं नहीं लाला जी, आप बैठो, मैं वहीं बैठ जाऊँगा। ठीक है फिर। क्या हाल लाला जी? बढ़िया बढ़िया। कौन? तो भाई अदालत की कार्रवाई शुरू करी जाए, जो तीन पॉइंट में नोट करके ले गया था ना, वो तीनों सुलझा ला, लो देख लो अपना। अरे मुजरिम बाबू, एक गिलास पानी देना। बस दे दे पानी। ले पी। गुस्से वाली है लेकिन बचना आना चाहिए। अरे बेबी मुझे कोर्ट में जाना है, खाना लग जाएगा, प्लेट व्लेट कहाँ है? ले। अरे चेंज फेंक रहे हैं। अरे रोटी ले, रोटी ले। हाँ सामान फेंक फेंक ले ना। देख रहे हो दोस्तों, गिलास तो सिर फोड़वा लिया, तो डूब को मर जा। हमने गिलास फेंका, हमने गिलास भी चौपा, प्लेट भी, रोटी भी। मर्द मन कुछ होशियारी होनी चाहिए। यो देख दूसरा। देयर इज अ वेल राउंड टू गिलास को सीज। अरे मुजरिम साहिबा, जरा सेब लाना मेरे लिए। लो इना काट को दे। काट के खा ले इन्हें अपना। रुक, क्या कह रही, क्या कह रही, क्या कह रही, काट काट, क्या चक्कू तो चियो काटू, काट रही काट रही साली, ज्यादा बड़ा ही ना कर दे ना तू। काट तो रही तेजी तेजी ना बोलना कर, छोड़ रे इस लाला की फैन दुनिया होली रहे मेरी जुगड़ कर। अरे घूटो में सो आ गए। हां हां तुम टाइम सो। अरे घूटो में सो आ गए। हां तो देख रहे हो दोस्तों, अरे घूटो में सो आ गए। जब घे सीधे वाले तन लिखना तो टेढ़े भी कर लो, ये होने कानून के पीछे बड़े रहो, औरत पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। बढ़िया कर को मारो, चाहे जज कुछ भी कहो, कोर्ट में मैं कुछ भी कहूँ, इनका इलाज यही मार पिटाई, और आपको सही हो जाएगी। रोब नहीं बनता, बना रोब नहीं। यो देख तीसरा पॉइंट। लो बढ़िया तो लग रहा ना जी। चल ना एक चुम्मी भी दे दे। अभी दोगे चुम्मी? हाँ भी दे, ये भी दे। और कद को मांग रहा, और कद को मांग रहा, और कद को मांग रहा। देरी 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 दे, अंदर तो आ जाओ। चलो हाँ उतार दूंगा सोनी। देख रहे हैं तुझे एक पप्पी नहीं मिली थी, दो रहे पड़ लगे पप्पियों की मानिस होगी, समझ गया नहीं, एक कर मिलाओ पप्पियां। चलो कोर्ट में। यो थी पूरी कहानी भाई, तीन पॉइंट थे, तीनों क्लियर हो गए, मैंने दिखा दिया। अब यो लड़की इसके लड़के के साथ रहोगी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताऊंगा। तो एक मत एक बात, हर घर में हो। ऑब्जेक्शन यो भी नोट बता मैं पेंचर। मेरी बात सुनो जज साहब, ये छोटे मोटे मामले तो चलते रहो, चलो मुझे पता देखो, ये तो हर घर में चलो, अब बैठा भी रहो चलो, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरी क्लाइंट है, इसे उसका देवर छेड़ता है,
यो मात तूने पहले क्यों नहीं बताई? मुझे बोलने कहाँ दिया जज साहब? ओ तो हो जो वकील साहब उसके पापा है ना, नहीं हो ना? अरे जज साहब सुनो तो, यो भी छेड़ने की कोशिश करो, देखो बोलने नहीं दिया मुझे। कैसे छेड़ो? यो हाथ पकड़ लो चलती चलती का, चाहे दे नहीं, कब कब पकड़ना चाहिए ना, यहाँ तो पकड़ोगा। अरे जज साहब ऐसी सुनो, मुझे अभी कमजोरी बुढ़ापे में अपना चक्कर आया है, अपना बहू का हाथ पकड़ेगा किसने पकड़ेगा जी वहाँ बहू, तो मैंने गिरता गिरता वो पकड़ लिया मैंने हाथ। मान लिया मैंने तेरी बात, तू बुढ़ा आदमी ठीक है जी, इसके देवर का क्या मतलब है जी लोंडी के? तो देवर को तो यहाँ बुलवा ना, बुलाओ जी जैसा। हाँ देवर को बुलवा तू, इसके देवर को कट करें बुलाया जाए। ठीक है सर, ला वो मोटा सा खींच को। इसे जाकत को क्यों ला रहा अपने साथ के लाए से छोड़ गए, क्या समझ रहा बच्चा साथ में छोड़ दूंगा तुझे? जस साहब ही हुई तो इसका देवर। अरे तू कौन है? मैं तो पड़ोसी। उराम लंगड़। गिव इट आउट। मैं नू की कर छेड़ दे। यू जब भी गोल में ये बात पकड़ लो छोटा। चला जा लंगड़। अदालत का टाइम ही खराब कर रहा। और कोई ठोस सबूत है तो बताओ, नहीं तो टाइम नहीं आया इतना मेरे पास, और भी लोग बने जिनका फैसला करना है मुझे। शाह मेरे पास ठोस सबूत है, मैं कटघरे में इनके पड़ोसी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? आजा भाई, कहाँ आजा, बता सारा कुछ। यार इसकी शक्ल देखी नहीं लग रही। क्या नाम है तेरा? गौरव तिनेजा। बाबा का क्या नाम है? मुकेश अंबानी। कौन से गांव का? भगवानपुर। जिला? हरिद्वार। जिला हरिद्वार। मोटा भाई पकड़ लीसो, इस पर इसकी बहू का ही केस चल रहा, 6 महीने से फरार हो। फिर से मित्र और लंगड़ू ना, ये कहाँ कहाँ तक केस ला रहा तू? यो मुजरिम हो जय साहब, यो तो मुजरिम हो, जभी तो मैंने पकड़वाया, कोर्ट की मदद करी मैंने। लंगड़ा भाई कोई ठोस सबूत है तो बता, नहीं तो अदालत का टाइम ना खराब करो, मेरे पे और भी लोगों की जिम्मेदारी, उनके भी फैसले करने हैं। लाला जी बस मैं लास्ट गवाह होट पेश करना चाहूँ। तेरा कोई गवाह नहीं आने का, अगर कोई लोंडी लारी आए तो बुला, नहीं तो मैं थक लिया। जी लाला जी एक गवाह में पेश कर रहा, इसके लोंडे की ताई हो जी। हाँ बुला, सुभान अल्लाह। आ जाओ मोहतरम, आ जाओ, हाँ यहाँ कटघरे में आ जाओ। इनको कहाँ, एक मिनट। जो समझा रखा ना वो ही बोलना, बिल्कुल उसका लग नहीं बोलना कुछ भी। हाँ ठीक है। बताओ जी तुमने क्या क्या देखा? जस साहब इसका लोंडा तो लोंडा, ये हरामखोर बुड्ढा भी जाग के छेड़ो, हराम कर रखा है मैंने। जो क्या कह रही तेरी माँ? अरे क्या बोल रही, जो समझाया था वो बोलना। क्यों बोल लो, तेरा समझाया हुआ खुला थी। जिसके साथ लग रहा तू मेरी साथ लग जा, देखो क्या कहोगे। बंद रखे लाला, खोल लूगा तेरी भी बोल पट्टी। मेरी फोन खोल लोगी? इसे 6 महीने के लिए भीतर कर, झूठे कमाई केस में कर से मोटा भाई। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इसका लोंडा बिल्कुल ढीला, अगर इसका डंडा मजबूत होता तो बिल्कुल यह काम नहीं होता। और मैं 3 पॉइंट दिए थे, मैंने 3 पॉइंट बता दिए, उन 3 पॉइंट पर अगर ये अमल करेगा इसका लोंडा तो कोई दिक्कत नहीं होने की, घर सक्सेसफुल होगा, घर वाले को डंडा चाह रहा सुबह शाम, चाह थारी हो चाह मारी हो। मारी बहू बोल नहीं सकती, अतेक रोम हो मारा। जिस साहब को चप्पल गिरना मारी भाई, जस साहब की घरवाली ने। तेरी तो वहाँ जा, सुबह कपड़े कहे थे ना धोने के लिए, धोए तरने में धो तुम्हें, यहाँ ना मुझे छेड़ो मेरी। अच्छा चल भाई, लोग टीवी का रोम सबको। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दो, और दोस्तों इस वीडियो पर आपको एक हफ्ते में करनी है 30,000 लाइक और 1 मिलियन व्यूज। बिल्कुल 1 मिलियन व्यूज आ गए तो इसके 5 पार्टों की एक सीरीज बनाओगे हम पूरी अदालत की, और उसमें अदालत भी बनाओगे। स्पेशल लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।